हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी को बाइज्जत बरी करा गया आज, और इससे ज्यादा खुशी का मौका आज नहीं हो सकता। पिछले 2 महीने से जो ये सरकार व्यवहार कर रही थी मेरे पिताजी को गिरफ्तार करके चुनावी दौर में, जब आज उनको आप सबके बीच में होना चाहिए था, सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी एक आध दिन में विधायक जी हमारे बीच में वापस लौट कर आएंगे, और वैसे ही सेवा के कार्य को इतने सालों साल से मेरे पिताजी करते आए, आप सबके बीच में आकर सेवा का कार्य करेंगे। आज आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से विधायक जी हमारे बीच में वापस आ गए हैं, और मैं उनकी बेटी, आप सभी का एहसान, आप सभी का ऋण, जो आपने मुझे पिछले 2 महीने में मुझे इतना साहस दिया, इतना आशीर्वाद दिया, मैं पूरी जिंदगी उसका एहसान और ऋण कभी नहीं चुका सकता। और हम सब सोनीपत के अकेले विधायक नहीं बनते, 9 विधायक और 7 बन के आते हैं उनके साथ, सुरेंद्र पवार ने साथ रखा, और आज 6 विधायक जो मेरे साथ थे, सबके टेलीफोन आए कि महाराज अब तो कुछ चिंता नहीं, सुरेंद्र पवार भाई साहब बाहर आ गए, धोखेबाजों से बचे। आप जाति बिरादरी में मत लग जाना कि भाई हमारा भाई है, परिवार का है, और है कई तरह की भारतीय जनता पार्टी असंदे अपना कुछ कुछ भी बोल सकती है, कह सकती है, पता नहीं क्या कह दे। न्यायालय का और हमारे जजों पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया, न्याय प्रणाली पे हम सबको विश्वास है, ठीक, भगवान से कम नहीं है वो लोग, और सबको देख करके आज सुरेंद्र पवार जी को बरी किया।